एंटी टेस्ट टाइप आपके यहाँ भी है या आंधे जाओ तो दाखला लेंदे जाओ? नहीं, मैडम आपसे गुजारिश कर रहे थे कि कोई टेस्ट के आए, मैं अभी कई में बड़ा क्वेश्चन अजीब पूछा मैंने कि आपके यहाँ तो 98% वाला बच्चा या बच्ची आता है और आप उसको फिर छलनी से गुजारते हैं, नेट से गुजारते हैं, क्या है? एंटी टेस्ट है। एक प्राइवेट जो कॉलेज इदारे बाहर बैठे हैं गलियों मोहल्लों में, बलाल गांज में शुरू किया हुआ, जिन्होंने टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उनका कोई मेरिट नहीं है, तो क्या फर्क हुआ? तो आपके यहाँ गो थ्रू है कि आए या कोई डिवीजन देखते हैं, क्या देखते हैं? एडमिशन का जो मेरिट है उसका जो यार्डस्टिक है, रैशनल क्या है? मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ है। बीएस है तो वो प्योर मेरिट पे आता है, मतलब उसका मेरिट कैलकुलेट होता है, ठीक। और जो हायर मेरिटर्स हैं वो आते हैं, और जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसका हाई मेरिट ही होता है। अच्छा जी। दूसरा डिसिप्लिन वाइज भी वेरी करता है। साइंस में मेरिट हाई होगा, फिर जिस तरह आप सोशल साइंसेज में कोटा डिसेबिलिटी का कोटा है, स्पोर्ट्स डिसेबिलिटी का कोटा है, कुछ रीजन के कोटा होते हैं लाइक। एंड व्हाट अबाउट गवर्नर कोटा? गवर्नर कोटा तो नहीं है अभी यहाँ, ऐसा कोटा तो कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, आपने कोई ऐसी कमेटी बनाई हुई है, कोई बोर्ड बनाया हुआ है एडमिशन के लिए? जी बिल्कुल, एडमिशन कमेटी, जरा उस पर बताइए ताकि लोग अवेयर हो सके। हाँ जी, एडमिशन कमेटी इन प्लेस है और हम, दैट इज हेडेड बाय यू या कमेटी? वो इंडिपेंडेंट है। हाँ जी, वो इंडिपेंडेंट है। उसमें एडमिशन ऑफिस में फैकल्टी मेंबर्स भी शामिल है और उसके साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी शामिल है। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो ज़ाहिर एडवाइस के लिए मैं मौजूद। मैडम पहले भी कहा, एक नक्शे के ऊपर लिखा हुआ था हू लिव इट डज नॉट लिव। पाकिस्तान के साथ ही सारे मौजे हैं जो कहते हैं हमने हमें इससे क्या दिया, वो बड़े बदबख्त हैं। ये झंडा ये सामत है, मैं खादमी आला पंजाब, चारों मुजराए आला जो हैं, चारों मुजराए आला हैं, तमाम सूबों के गवर्नमेंट साहबान, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दरख्वास्त करूँगा कि इन इदारों का मेहरबानी फरमा के इनके ऊपर नज़र खास रखें, ताकि वो जो 70 साल 60 साल पहले वाला उस्ताद था, जो तालिब इल्म था, वो वापस लौटे और ये जो गलियों मोहल्लों में ये इंडस्ट्री, ये कमर्शियल इंडस्ट्री शक्ल अख्तियार कर चुकी है, इनसे छुटकारा हासिल हो सके। बहुत ख्याल रखिए, इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, दुश्मन पे नज़र रखिए, दुश्मन को भागते हुए पीछे से तबाह बर्बाद कर दीजिए। ये एक्टिविटीज लौट आएँ, असम्बलियाँ वापस लौटें, सुबह झंडे से फूल गिरें। बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यूट्यूब जावेद कन्या और रॉयल न्यूज़ की प्रोडक्शन टीम को याद दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।